फिटनेस टेस्ट लेंगे प्लेयर्स के, एक रिपोर्ट के मतलब क्या है कि सिडनी अभी खेल के आए वो कब तक जी? ख्वाजा जुनेद साहब से मेरी बात हुई है, ख्वाजा जुनेद साहब को कहा गया है कि जी वो फौरी अपनी रिपोर्ट दें और बताएं कि क्या मुहरकात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम जो है क्वालिफाई नहीं कर सकी। वो जब रिपोर्ट आएगी तो वो इंशाल्लाह ताला उस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में भी डिस्कस किया जाएगा, हमारा कांग्रेस का भी इजलास होना है उसमें भी डिस्कस किया जाएगा और मीडिया से भी इंशाल्लाह ताला हम जो अहम निकात हैं वो जरूर शेयर करेंगे। जो है उसका इनेकाद कर रही है लाहौर में, इंशाल्लाह ताला हम चीफ सेलेक्टर मंजूर जूनियर साहब से मेरी मुलाकात हुई है, प्रेजिडेंट पीएचएफ भी इधर है, तो मुशावरत के साथ इंशाल्लाह ताला प्रेजिडेंट पीएचएफ और मंजूर जी मुशावरत के साथ जो गोलकीपर हैं जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि गोलकीपिंग का एक ऐसा शोबा है जो हमें नजर आया कि बहुत कमजोर है हमारा पाकिस्तान हॉकी का, तो उसमें हमने जो पहले कैंप लगाया था उसकी कंटिन्यूटी में अभी दोबारा हम कैंप लगाने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी मुशावरत जारी हुई, कल या परसों हम अनाउंस कर देंगे। कल तक जूनियर चैंपियनशिप की डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी और गोलकीपर कैंप का भी अनाउंस हो जाएगा और उसके साथ साथ फिर फर्दर जो जूनियर टीम की मैनेजमेंट है उस पर भी मुशावरत जारी है और उसको भी हमने अनाउंस करना है चैंपियनशिप के दौरान इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अच्छी खबरें हैं, 2020 में आप देखेंगे कि कोई बड़ी टीमें पाकिस्तान में जरूर आएंगी और हमारी कोशिश है कि जनवरी फरवरी में कोई ऐसा टूर्नामेंट या ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिससे पाकिस्तान हॉकी में जो इंटरनेशनल हॉकी का जेन्युइनली रिवाइवल है वो किया जाए। इसके अलावा आपकी बात दुरुस्त है, फॉरेन कोच पे भी बात हो रही है, हमारे बिल्कुल डिस्कशन जारी है हमारी और वी आर इन नेगोशिएशंस विद फ्यू फॉरेन कोचेस, अगर वो उनसे हमारी हो जाती है तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा आपसे जरूर शेयर करेंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए हम लॉन्ग टर्म 22 वर्ल्ड कप और 24 ओलंपिक के लिए हम एक लॉन्ग टर्म कोच के लिए बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत बड़ा नाम है और उस किस्म का कोई कोच लाएं जो पाकिस्तान हॉकी टीम को तैयार करे और उसके साथ साथ हमारे कोचेस को भी प्रिपेयर करें। थैंक यू।